दोस्तों फिर से स्टरलाइजेशन का टॉपिक लेके आए हैं, बात करेंगे स्टरलाइजेशन के ऊपर ही। कुछ कमेंट्स हमारे पास आए हैं जिनका जवाब मैं देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। कमेंट्स हैं कि हमने नसबंदी करा ली हम खाएं क्या, हमने नसबंदी करा ली हम कितने दिन बेड रेस्ट पे रहें, टांके कब कटेंगे वगैरह वगैरह। इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, देखिए बहुत नॉलेज आपको मिलने वाले। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समाधान डॉक्टर। दोस्तों मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी वीडियो में बना चुका हूं इन टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन पता नहीं लोग वो वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं। अभी हाल ही में मुझे दो कमेंट्स मिले हैं, एक तो ये कि मैंने नसबंदी करा ली अब मैं खाऊं क्या, सेकंड ये कि सर मैंने नसबंदी करा ली अब मैं कितने दिन परहेज करूं, संभोग कब करूं तथा टांके कब कटेंगे। तो दोनों ही सवाल के जब मैं जवाब देने वाला हूं आपको, तो सबसे पहले जो सवाल था कि आपने नसबंदी करा ली अब आप खाएं क्या, तो मैं आपसे ये पूछता हूं, आप कमेंट्स जरूर करते हैं लेकिन आधा अधूरा कमेंट्स करते हैं, मैं उसके नीचे रिप्लाई करके पूछता हूं लेकिन आप जवाब नहीं देते। एक कमेंट्स आया था कि सर मेरी नसबंदी होगी अब मैं खाऊं क्या, मेरे टांके कब कटेंगे तथा मैं संभोग कब करूं। अब मैंने उनसे कमेंट्स करके ये पूछा था कि आप मुझे ये बताइए आपके लैप्रोस्कोपिक के सर्जरी हुई है या हाथ का ऑपरेशन हुआ है। दोनों ही ऑपरेशंस में फ़र्क है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में दो स्टिचेज या एक स्टिचेज आता है, बहुत कम कट लगता है, जबकि हाथ का जो ऑपरेशन होता है उसमें पूरा पेट खुल के हाथ के द्वारा फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। दोनों नसबंदियों में फ़र्क है, इसलिए आप मुझे जब भी कमेंट्स करें प्लीज़ बताया कीजिए कि आपको किस टाइप का ऑपरेशन हुआ है, ताकि मेरे को जवाब देने में आसानी हो। अब मैं यहाँ दोनों ही तरह की नसबंदी में जो खाएं क्या आप उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं लैप्रोस्कोपिक की। लैप्रोस्कोपिक में आप उस दिन जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ है उस दिन आप केवल लिक्विड लें, दाल का पानी लें, दाल ले सकते हैं, क्योंकि आप सेडेशन में रहते हैं, सेडेशन से बाहर आते हैं तो कुछ हो सकता है उल्टी वगैरह हो सके। सेकंड डे से आप जो रूटीन का खाना बनता है घर में, जो बाकी लोग खाते हैं वो ही खाना खाएं, पेट भर के खाएं, रोटी सब्जी दाल दूध जो आपकी इच्छा हो वो आप खाएं। ये तो हो गया लेप्रोस्कोपिक में। अब बात करते हैं जो हाथ का ऑपरेशन होता है उसमें, उसमें भी दोस्तों सेम है। पहले दिन आपको थोड़े परहेज करने पड़ेंगे, लिक्विड आप ले सकते हैं, ठीक है, दाल का पानी ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं। सेकेंड डे से आप उसमें भी सेम जो आपके घर में बनता है वो आप खाएं, स्पेशल कुछ मत खाइए बनवा के, जो रूटीन का खाना बनता है वो आप खा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप के टांके कब कटेंगे या फिर आप संभोग कब करें। देखिए दोस्तों लैप्रोस्कोपिक का प्रोसेस में और जो हाथ के ऑपरेशन के प्रोसेस में बहुत दिन रात का अंतर है। टांके 7 दिन में कट जाते हैं दोनों में, लेकिन हाथ के ऑपरेशन में बहुत बड़ा घाव होता है, उसमें बड़े बड़े ज़्यादा स्टिचेस लगते हैं, तो डिपेंड करता है कि डॉक्टर उसको ऑब्जर्वेशन में रखे और वो बताए कि वो 15 दिन में या 10 दिन में कब उन स्टिचेज को रिमूव करेंगे। साथ ही जो लैप्रोस्कोपिक की जो सर्जरी होती है उसमें 7वें दिन आपके टांके कट जाते हैं, 7वें दिन आपका घाव बिल्कुल ओके टकाटक हो जाता है। अब बात करते हैं मीटिंग की, यानी आप अपने साथी के साथ संबंध कब बनाए। लैप्रोस्कोपिक में बोलते हैं कि जैसे ही आपकी इच्छा करे, अब ये तो शरीर की प्रवृत्ति है, किसी की 7 दिन बाद इच्छा कर जाती है, 10 दिन बाद इच्छा कर जाती है, 15 दिन बाद, तो जैसे ही आपकी इच्छा करे आप अपने साथी के साथ मीटिंग कर सकते हैं, संबंध कर सकते हैं। साथ में जो बड़ा ऑपरेशन होता है, हाथ वाला ऑपरेशन होता है, उसमें घाव थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें थोड़ा आपका शरीर ही साथ नहीं देगा, तो आप मीटिंग कब करेंगे। तो उसमें स्टिचेज रिमूव होने के बाद आपकी डॉक्टर से राय लेके, जहाँ पर आप ऑपरेशन करवा के आ रहे हो आप उससे पूछ सकते हो, तो उसमें वो 1 मंथ का या 1.25 मंथ का आपको टाइम देंगे, और फिर जैसे आपको इच्छा करे आप अपने साथी के साथ मीटिंग कर सकते हो। दोस्तों कमेंट्स लिखिए, कमेंट्स के अंदर जो आप पूछना चाहते हो उसको प्रॉपर लिखिए, ताकि हमें आसानी हो सवाल का जवाब देने में। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, कमेंट्स जरूर कीजिए आपको अच्छी लगी कि बुरी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नीचे जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।